हाँ हेलो, कौन? हाँ जी विकास जी, गौरव बोल रहा हूँ। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया था। हाँ तो मैंने बताया ना कि आप टेक्स्ट कर दो बोलिए। अच्छा तो सर टैक्स में समझा नहीं पाऊंगा, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं बता सकता हूँ। आपका पूरा नाम? मैं गौरव गोयल, कहाँ से बात कर रहा हूँ? नोएडा। नोएडा से। और क्या IBS का इशू है? हाँ IBS ये सर वही दिन में 6-7 बार फ्रेश होना और बहुत ज़्यादा गैस बनना, कितने दिनों से समस्या हो रही है? काफी टाइम हो गया सर, 7-8 साल हो गए। हाँ 7-8 साल। तो जी आपने तो सारा टेस्ट वगैरह करवा लिया होगा, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ये वो वगैरह हाँ वगैरह। सर, करा लिया सर, कोई ढंग से बता ही नहीं पाता। और आपकी एज क्या है, क्या करते हो आप? मेरी एज है सर 33। अभी मैं रियल एस्टेट में हूँ, किस चीज में हो? रियल एस्टेट वो प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट में। हाँ जी। शादी हो गई? नहीं सर, हाँ तो मैं कोई डॉक्टर नहीं, ठीक है। हाँ, वो मैंने देख लिया आपकी वीडियो से। 15 साल IBS में रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर इसको समझ नहीं पाते, बिकॉज IBS वाले दिमाग तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और IBS वालों के फेस एक्सप्रेशन से सामने वाले डॉक्टर समझ ही नहीं पाते जिनको कोई समस्या है, ठीक है। जी। क्योंकि IBS वाले डबल भूमिका निभाते रहते हैं, जी अंदर से तो बहुत तकलीफ रहता है, लेकिन सामने वाले को दिखाते हो कुछ नहीं हुआ, जी ठीक है ना। हाँ जी आप अंदर ही अंदर तो एक तरह से मर रहे होंगे, आत्महत्या करने की मनोवत आ चुकी होगी, अंदर से मन करता हुआ जीना बेकार है। जी अपना चेहरा तक अच्छा नहीं लगता होगा, अपना सेल्फी लेना या अपने आईने में चेहरा देखना, यहाँ तक अपने आँख से आँख मिलाना, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो होगा आपको। जी आप न चाहते हुए आपके दिमाग में हजारों तरह की फिल्म हमेशा चलती रहती होगी, बहुत ज्यादा रात को सोते समय भी आपके दिमाग चलते रहती होगी, मतलब नींद गहरी बिल्कुल आती ही नहीं होगी। नहीं आती थी। तो सिंपल सा लॉजिक है, घर नींद नहीं आएगी तो आपको ये पेट कहाँ से ठीक हुआ सर? जी और जिंदगी में कभी नहीं ठीक हुआ, डॉक्टर चूतिए होते हैं, अभी तक के डॉक्टर चूतिए है मादर। तो मैं सिर्फ डेढ़ गाली देता हूँ हाँ वो IBS के भी लिए, है सर। ओनली IBS के लिए। जी। अदर सारे प्रॉब्लम के लिए चलो कैंसर ठीक करते हैं, चलो ये ठीक करते हैं, चलो वो ठीक करते हैं, सबके लिए ठीक है, ठीक है ना। जी। लेकिन IBS को समझ पाना इतना आसान नहीं है डॉक्टर से। कभी महसूस किए हो IBS को? IBS में कितनी तकलीफ होती है, कितना डिप्रेशन होता है, सेक्सुअली बिल्कुल सर। सेक्सुअली इमोशनली। पेट तो खराब है ही, मानता हूँ पेट खराब है, हजारों तरह की समस्या है पेट में, लेकिन जी। पेट में कोई समस्या होती है, कोई मेजर समस्या होती है, तो इतने सारे डायग्नोस जो मशीन है, जी। इतने सारे अमेरिकन मशीन हैं, ये हैं वो है, वो सब करोड़ों अरबों की जो मशीन होती है वो सब फालतू बताएगी। हाँ अल्ट्रासोनोग्राफी, बिल्कुल सर कोलोनोस्कोपी, बिल्कुल। सीवरोस्कोपी, CT स्कैन, MRI, ये टेस्ट वो टेस्ट ब्लड टेस्ट, यहाँ तक कि HIV टेस्ट, यहाँ तक कि विटामिन डी टेस्ट सब लोग करवा लेते हैं, मैंने करवाया है। जी। एक चौथी डॉक्टर ने, दो दो डॉक्टरों ने मेरा हार्निया का ऑपरेशन और हाइड्रोजन का ऑपरेशन कर दिया उसके चक्कर में। ओहो शिट। हाँ दर्द हुआ करता था, जी मेरे लेफ्ट साइड में दर्द हुआ करता था, वो गैस का दर्द था। हाँ जी हाँ जी अभी भी थोड़ी देर पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से दिल्ली के ही जी उनसे बात, उनका भी हार्निया का ऑपरेशन कर दिया चौथी डॉक्टर ने, जबकि उनको हार्निया था ही नहीं, जी जी गैस के कारण से। बहुत बहुत लोगों का तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, हाँ बिल्कुल सर। जबकि मैं हाई भी है। जी लेडीज लोगों का, बहुत लोगों का तो बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है, जी 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 लड़कों से ज्यादा लड़कियों में समस्या है, लेकिन लड़कियां खुल के ओपन नहीं आ रही। हाँ जी सर हाँ जी वो होता है ना इमोशनल लास्ट शर्म, सेक्स वेक्स, ये वो पीरियड, खुल के नहीं आती है। तो अब इसमें अभी तक लड़कियां उतना ओपन माइंडेड नहीं हो पाई है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सर इसमें सीधी सी बात है, क्या शर्माना क्या, लाज क्या, शर्म क्या? अगर साइकोलॉजिकल थोड़ी बहुत दिक्कत है ही, जी आपको पता है कि अम्बानी जी भी अपने पास दो चार साइकोलॉजिकल जरूर जरूर रखे होंगे घर में, ठीक बिल्कुल 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 है ना। जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हम ठीक होते हैं तो ठीक है। वैसे आजकल जी मैं आयुर्वेदिक दवा पे आ गया हूँ, आयुर्वेदिक से ही ठीक करता हूँ, लेकिन पेट की नहीं, माइंड शांत करने की दवा और ओके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की बात, ताकि आपको रात की गहरी नींद आए और खुद का जी आत्मविश्वास बढ़े और आप जी भूल जाओ कि आपको कोई बीमारी है। आपको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी होती तो टेस्ट में पकड़ा जाता। बिल्कुल सर आप बहुत ओवर सेंसिटिव इंसान हो, बहुत इमोशनल इंसान हो, छोटी छोटी चीजों को आप बहुत ज्यादा केयर करते हो, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, गलती से मेरे से कोई गलती ना हो जाए, जबकि जी आपने जी कोई पाप किया ही नहीं है, फिर भी आपको लगता है मैंने कोई पाप किया पिछले जन्म में, इसीलिए उसका फल हाँ मिला जी है, हाँ भगवान ने जी दिया है। जी आप डायरेक्टली भगवान से आप बात कर रहे होंगे मन ही मन, भगवान ने मुझे बिल्कुल बिल्कुल सर मेरे को ये बीमारी दिया है, हाँ जी लेकिन आप एक
मतलब माइंड मत करना, जी एक पागल आदमी खुद कभी समझ पाता कि मैं पागल हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। यही ये बीमारी है, ये पबजी गेम की तरह, इससे दिमाग से जितना आप लड़ोगे ये उतना ही आपको परेशान करेगा। जी इससे दिमाग से लड़ के आप नहीं जीत पाओगे। इसको जी दूर से सलाम करके, नमस्कार करके इसको दूरी बना लो, बस इसको भूल जाओ कि ये कुछ होता है। आईबीएस को जितनी जल्दी भूल जाओगे उतना, नहीं तो इसको समझने जाओगे तो आपको पंच तत्व वापसी समय पर था, पंच तत्व के जैसे हमारी आंखें सेंसर है, पंच तत्व का हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें पांच जी तत्व बना हुआ है, पांच तत्व क्या क्या है, इतना सब कुछ समझने जाओगे। मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं खुद समझ के, दुनिया समझ के, लड़ के झगड़ के, भगवान को गाली दे के, क्या क्या करके, जी आत्महत्या तक का 2-3 बार कोशिश करके, भयंकर ढंग से आत्महत्या कोशिश किया था। जी जी दोनों हाथों में अभी भी 26-26 सिलाई के दाग है। कोई सामने तो आए तो उसको बता दूं कि आईबीएस में होता क्या क्या है जी इंसान को। बिल्कुल सर। मैं बैंक मैनेजर का लड़का, लेकिन एक समय आ गया था जब पॉकेट में 5 रुपए नहीं थे। मेरी जी बेटी सामने रो रही थी बस 5 रुपए के चॉकलेट के लिए, बर्दाश्त जी नहीं हुआ, आत्महत्या करने को बैठ गया। दोनों हाथ में 26 सिलाई के अभी भी दाग है, और 300-400 पीस स्ट्राइक का 0.5 उस समय नींद की गोली हुआ करती थी, खट्टा हाँ जी हाँ जी हाँ खा जी लिया था। मरा नहीं, तो पता नहीं कितना स्ट्रांग, भगवान ने कितना स्ट्रांग बनाया अंदर से। चलो सर, वो दूसरों की मदद के लिए किया होगा। जी कर ही तो रहा हूँ, लेकिन जी लेकिन अगर मदद करने बैठूं तो साथ में 500 कॉल आएगा और जी लास्ट जी में मेरी फैमिली तो रोड पे आ जाएगी ना। नहीं नहीं सर, वो तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल कंसल्टेंसी फीस लीजिए, तभी आप वो करेंगे। बिल्कुल, आयुर्वेदिक दवा से ही आप अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो कीजिए, 3-4 महीने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा सर। बिल्कुल, मैं ऐसे ही नहीं, अभी आपके जीएसपी वालों का, रामदास शर्मा वालों का, जो फेक लोग हैं, जी जी इन लोगों को मैंने 12 बजा दिया आईवीएस से। जीएसपी हाँ जी हाँ जी है ना, गुरबीर सिंह बत्रा जी, सुप्रीम जी 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 कोर्ट के वकील से मेरे को ये भिजवाया था नोटिस की 10 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर जी पुलिस से कॉल करवाया कि दिल्ली पुलिस आपको लेने आ रही है। मैंने बोला आओ भाई, जी बिहार पुलिस या बंगाल पुलिस मर गई क्या, दिल्ली पुलिस क्यों आएगी, मैंने किसी का मर्डर किया है। जी जी अजीब हाल। और वकील को बोला भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो वकील था गगन नारंग, उसने जी सुप्रीम कोर्ट का वकील था, नोटिस भेजा। मैंने बोला भाई तू एफआईआर तो कर जल्दी। जी जी मैंने अपना एड्रेस प्रूफ ये वो सब भेज दिया, मेरा नाम ये है, मेरा ये एड्रेस है, तू एफआईआर तो कर तो सही। जी भाग गया साला, जी मेरे से 10 लाख का कमीशन मांग रहा था। चलो छोड़ो, ये सब तो होते रहे लाइफ में। लाइफ में मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जब आप अगर कुछ नहीं हो तो कोई आपके पीछे नहीं लगेगा, जी जी लेकिन जो ही आप थोड़ा जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ने की कोशिश करोगे तो हजारों लोग आपको नीचे दबाने को आ जाएंगे। ठीक बिल्कुल सर है ना सर, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हारा, अभी उम्र 36 है, अभी जी। बहुत कुछ देखना बाकी है लाइफ। ठीक है सर, वैसे आप भी मुझे बता लीजिए सर, आप कंसल्टेंसी फीस भी बता मेरा दीजिए, मैं भी आपको महीने का 3,000 है फिलहाल। आयुर्वेदिक दवा जी ज्यादा महंगी नहीं है, मैं आपको कोई जी महंगी मतलब हजारों हजार रुपए की दवा नहीं बताऊंगा, 500-700 रुपए की दवा बताऊंगा। ठीक है सर लेकिन महीने में 3 दिन आप मेरे को कॉल करोगे, मैं रिपोर्ट देखो कि नींद कैसी आ रही है और क्या प्रोग्रेस है, जी ठीक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मूड अच्छा है कि है नहीं सर आ रहा है। लैट्रिन को नहीं जी देखोगे, खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, सिर्फ ठीक है तेल सर मसाला कम, दारू शराब नशे के सामान से दूर रहना, और ये गौर जी करना है कि आपको कम से कम 7 से 9 घंटे, कम से कम 7 घंटे जी बिल्कुल गहरी नींद आनी चाहिए, जिसमें दिमाग नहीं चलना चाहिए। ऑटोमेटिक जो आपका एडवांस दिमाग चलता है ना, 50 कदम आप आगे की सोच जी लेते जी हो, बिल्कुल जी ये जो आप 50 कदम आगे की सोच रहे हो, वही आपका दिल का डर है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, मैं हाँ शादी जी करूंगा तो हाँ क्या होगा, बच्चे होंगे कि नहीं होगा, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, नौकरी होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा बिजनेस कामयाब होगा कि नहीं। इतना दूर का मत सोचो, वर्तमान में रहो, ठीक है सर वर्तमान में आ जाओ, वापस आ जाओ, आप बहुत आगे चले गए जी हो, वापस आ जाओ और फ्यूचर का एक कोई एक गोल निर्धारित कर लो कि जी आपको लाइफ में क्या करना है। आप रियल एस्टेट में हो तो रियल एस्टेट में रहो ना, आप राजनीति के बारे हाँ में मत जी हाँ सोचो जी ना, जी 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 रियल एस्टेट में हो तो कॉल सेंटर के बारे में मत सोचो ना, रियल एस्टेट में हो तो आप क्या बोलते हैं, कुछ और के बारे में मत, फैशन डिजाइनिंग के बारे में मत सोचो ना, जी आप रियल एस्टेट में हो तो उसी में लग जाओ, अपना पूरा जो 100% दिमाग है उसी में लगा दो, लेकिन अपने दिमाग को, अपने हेल्थ के बारे में, अपने सेहत के बारे में, अपने पेट के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, आप अपने हेल्थ के बारे में, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में, जिस पार्ट के बारे में आप ज्यादा सोचोगे आपको समस्या वहीं पे ज्यादा शुरू हो जाएगी। जी सर ठीक ठीक है ना, है सर अपना नाम, और ये नोएडा से बात कर रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी अपना नाम कॉमा नोएडा लिख के व्हाट्सएप करो, मैं अपना फोन पे गूगल पे नंबर भेज रहा हूँ, 300 रुपये डाल के इसके अंदर भेज दो,
है अभी आपको दवा अभी बता रहा हूँ, चलो, अभी आपके आसपास ही मिल जाएगा, हिमालय डाबर के मैं साइड अभी अभी टाइम में बिल्कुल मिल जाएगा। अभी आज से शुरू कर दो, बिल्कुल 1 महीना बिलीव करो, 1 महीना में आपको 30-40% आराम मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चूंकि ये साइकोलॉजिकल है तो मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि 100% आपको, जैसे ब्लड कैंसर ठीक होता ना वैसे नहीं, समझ गया सर। साइकोलॉजिकल है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, टेंशन आते रहेंगे, कभी पैसे हैं, कभी जी फैमिली का टेंशन, कभी शादी का टेंशन, मतलब आप मेरे मित्र बनोगे तो लाइफ टाइम के लिए मित्र बनोगे, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। मैं आपको 3-4 महीने में, 5 महीने मैक्सिमम, जी 90 से 100% कर दूंगा, लेकिन वो 5-10% पेट की समस्या वगैरह, लाइफ टेंशन वेंशन तो लाइफ में चलती रहती है वो हमेशा। तो चलती रहती है सर, वो तो चलती और रहेगी, आज के डेट में पेट की समस्या किसको नहीं है, जीरो पॉइंट सबको है, सबको है, 1% भी सबको लोग है। है जो 2-5% पेट की समस्या नहीं है। जी और जी 2-5% आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, अपना नाम नोट लिख के व्हाट्सएप भेज दिया सर मैंने आपको। मैं अपना फोन पे गूगल पे नंबर भेज रहा हूँ। ठीक है सर, समझ गया।